अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। ए इज इक्वल टू ए अंडर रूट पावर ऑफ ए अंडर रूट। तो इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए अंडर रूट, तो ए लिख लेते हैं, अंडर रूट की जगह 1/2 लिख लेते हैं, होल पावर ऑफ ये वाला ए अंडर रूट। अब हमारे पास एक ला है, एक्स पावर ए होल पावर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। यानी अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं, तो ए इज इक्वल टू ए पावर। अब इसी ए के ऊपर दो पावर हैं, एक 1/2 है एंड दूसरा ए अंडर रूट है, तो इसी रूल के मुताबिक ये दोनों प्रोडक्ट होके ए अंडर रूट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब मैं बोथ साइड्स नेचुरल लॉग लेता हूं, टेकिंग नेचुरल लॉग, तो एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए ए अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब लॉग का तरीका यह है, अगर पहले कोई पावर हो तो पावर पहले आ जाता है, तो यहां पर ये पावर है ये पहले आ जाएगा। सो एल एन ए इज इक्वल टू ए अंडर रूट डिवाइड बाई 2, फिर ये एल एन ए। अब ये जो है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन ए पॉजिटिव है तो इस साइड पर आके नेगेटिव ए अंडर रूट डिवाइड बाई 2 एल एन ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एल एन ए है, यहां पर भी है, तो इनको मैं कॉमन लेता हूं, एल एन ए कॉमन हो गया, यहां पर 1 रह जाएगा, माइनस ये भी कॉमन ली है तो ए अंडर रूट डिवाइड बाई 2 में जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन बन रही है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये होगा, या फिर दोनों 0 होके तब ये 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो मैं लिख रहता हूं एल एन ए इज इक्वल टू 0 आर 1 माइनस ए अंडर रूट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां पर बोथ साइड्स ई लेता हूं एक्सपोनेंशियल, तो ये ई और एल एन कैंसल आउट हो जाएंगे, यहां पर ए रह जाएगा इज इक्वल टू एनीथिंग पावर 0। किसी भी चीज का पावर जब 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है, तो ये 1 माइनस है उस साइड पे जाके ये पॉजिटिव ए अंडर रूट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, तो 1 क्रॉस 2 इज इक्वल टू ए अंडर रूट डिवाइड बाई 2 क्रॉस 2, ये बोथ साइड्स 2 मल्टीप्लाई हुआ। अब ये 2 1 क्रॉस 2 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 एंड 2 कैंसल आउट, ए अंडर रूट हो जाएगा। सो बोथ साइड्स स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू ए। सो ये है हमारा दूसरा रिजल्ट। अब अगर इन दोनों रिजल्ट को ए इज इक्वल टू 1 ए इज इक्वल टू 4 हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर ए की जगह 1 एंड 4 पुट करके अगर ये आपस में सेम आ गए
तो इसका मतलब यह होगा कि रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है। चलिए पुट कर लेते हैं, चेकिंग। सबसे पहले ए इज इक्वल टू वन, तो यहां पर वन पुट करके वन इज इक्वल टू वन का अंडर रूट पावर वन का अंडर रूट, तो हम जानते हैं कि वन का अंडर रूट वन के इक्वल होता है, पावर वन अंडर रूट वो भी वन के इक्वल, सो वन इज इक्वल टू वन। तो ये रिजल्ट जो है ए इज इक्वल टू वन, ये 100% ठीक है। अब एट ए इज इक्वल टू फोर, ये दूसरा रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो ए की जगह फोर, तो फोर इज इक्वल टू फोर का अंडर रूट पावर में फोर का अंडर रूट, सो ये हो जाएगा फोर इज इक्वल टू फोर का अंडर रूट टू के इक्वल होता है, यहाँ पर फोर का अंडर रूट टू के इक्वल हो, सो फोर इज इक्वल टू टू पावर टू वो भी फोर के इक्वल होता है, सो फोर इज इक्वल टू फोर, ये भी आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू वन ए इज इक्वल टू फोर, ये रिजल्ट 100% ठीक हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।